दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। क्या कभी सोचा है केवल एक प्लेट मोमोज की वजह से किसी की सरेआम हत्या की जा सकती है? दिल्ली दिन ब दिन अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। आए दिन दिल्ली में गैंगवार मर्डर जैसे जघन्य अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में जहां एक ओर केजरीवाल सरकार शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री दे रही है, ये भी एक मुख्य कारण है दिल्ली में अपराधों के बढ़ने का। अपराधी नशे की हालत में बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों इसी क्रम में दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन तिरंगा चौक पर शनिवार को जितेंद्र महतो की गोलू कुमार ने नशे की हालत में केवल एक प्लेट मोमोज के लिए चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिनको बाद में अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों पुलिस की जानकारी के मुताबिक जितेंद्र महतो 3 तारीख को दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन तिरंगा चौक पर मोमोज के स्टॉल पर खड़े थे, तभी वहां एक लड़का नकुल उर्फ गोलू जो कि नशे में था वो भी वहीं स्टॉल पर खड़ा था। तभी जितेंद्र महतो का हाथ लगने की वजह से नकुल उर्फ गोलू की मोमोज की प्लेट गिर गई, जिसकी वजह से वो गाली गलौज करने लगा। बात ज्यादा बढ़ने पर नकुल उर्फ गोलू ने चाकू निकाल लिया और वार करने लगे, तभी चाकू का एक वार जितेंद्र के गले पर लगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग जितेंद्र को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। जितेंद्र महतो जहां रविवार को उनकी मौत हुई थी, मृतक के परिवार ने वहां उनके शव को रखकर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि हमलावर ने रनहोला थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना स्थल पर रह रहे बिहार के मजदूर तिरंगा चौक को जाम कर शव के साथ हत्यारे की फांसी की मांग करते हुए हंगामा किया। दोस्तों दिल्ली की विकासपुरी विधानसभा के विधायक महेंद्र यादव ने अपनी तरफ से पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया है। जितेंद्र महतो बिहार के सीतामढ़ी के हनुमान नगर के बलुआहा गांव का रहने वाला है और वह अपने परिवार के साथ दिल्ली के मोहन गार्डन में काम करता था। देखिए इस वायरल वीडियो में। केजरीवाल मोदी 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 केजरीवाल पुलिस प्रशासन थोड़ा साइड वन साइड वन और इनको परमानेंट बन दिया जाए। ये दो डिमांड है हम लोगों की। इन बेचारों को गरीब आदमियों को अच्छा सा मुआवजा मिले ताकि इनके परिवार का बहुत गरीब आदमी है। हाँ और ये सांसी बंदी बंद हो। जितने भी आपको बताऊँ जितने भी डिजीज जो एक्सपायर हो रहे जितने भी इनके लीगल आए अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। अभी आना हो अभी थाने में आओ, आज संडे नहीं तो अभी अभी कोर्ट लेके चलते कल उनको कोर्ट में। इतनी ज़्यादा क्या दे रखे हैं, क्या जवाब मिला है? सुनो सुनो मुआवजे पहले भी एप्लीकेशन दे रखी थी। एक मिनट एक कोई वो मुआवजे जो मेन है आधार वगैरह जो कुछ उसके अलावा इंडिपेंडेंस जो भी जितने परिवार के पीछे है ना सब की आईडी और एक बस बस अभी जाता हूँ अभी थाने में आ जाए नहीं तो आज संडे है कोर्ट जा नहीं सकते। कल मॉर्निंग में ले आओ वोट चलेंगे टीएलएसए में लीगल जो लीगली सिक्योरिटी सर्विस अथॉरिटी है वहाँ से मुआवजे की काम। दूसरा ये दूसरा जो ये कातिल है ना चाकू मारा उसके इतने हौसले बुलंद हैं। सवेरे ये लोग थाने गए होंगे बच्चे बच्चे को भी कह रहा कि अगर लेके गया मैं छूट गया हूँ और उसको तुम्हारे लिए चाकू मार नहीं देंगे और बताओ बस। हाँ उसको कड़ी से कड़ी सजा जितनी नहीं देंगे छूटे बाहर आएगा तब की बात है ना बाहर ही आने देंगे। इससे ज़्यादा और क्या लगेगा मर्डर में पहले बाहर आ जाएगा। बुलाओ एक बार बुलाओ उनके लड़के को बुलाओ एक बार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।